तो गाइस आज हम सीखेंगे फ़ैन कैसे लगाते हैं। ये हमने अभी ओरियन का फ़ैन लिया है, हमने ये ऑफलाइन परचेज़ किया है। ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन डिलीवरी का भी प्रॉब्लम था, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो ये हमने ऑफलाइन परचेज़ किया। अभी लगाने के लिए भी कोई मिल नहीं रहा है तो अभी हम ये फ़ैन आज खुद लगाएंगे, DIY डू इट योरसेल्फ। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, पहले तो फ़ैन इसको अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग। आपको एक या 1.5 फीट की वायर चाहिए रहेगी, एक छोटी इंसुलेशन टेप, एक छोटा स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रिकल जॉइन करने के लिए और एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर। देखेंगे कुछ स्क्रैचेस नहीं है, असेंबल करना है सारे उसके। प्लेट्स, सो ब्लेड्स को लगाने के लिए पहले सारे जो है स्क्रूज को ढीला करें। और इसको निकालना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है, इसके ऊपर हम ब्लेड बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। तरह से हमने एक एक करके सारे ब्लेड्स उसको लगा दिए। तो इसमें ये क्लिप आता है जिससे फैन को सीलिंग से जोड़ते हैं, उसको निकालेंगे। अभी हमने जब अभी सब डिसमेंटल किया है तो ये जो है वो सीलिंग के हुक में ऐसे बैठता है, उसके नीचे ये जो है स्क्रू बैठता है, इसके नीचे जो फैन का डंडी है उसके होल में जाता है ऐसा। और ये स्क्रू से आप जो ये पार्ट है यहाँ पे आप असेंबल करना है। आपको ये पूरा असेंबल अभी करना है, साथ में वायर भी डालना है और जब पूरा हो जाएगा सेटअप तो हम बाद में इसको ऊपर ले लेंगे। तो जैसे कि हमने बताया इस पाइप से हमको अंदर के अंदर थ्रू वायर डालना है, एक दो वायर्स यहाँ से अंदर जाता है वायर, ये दो इससे यहाँ से बाहर आता है, ये दो वॉल से। तो हम उससे दो वायर लीजिएगा, एक 1.5 फुट के बराबर, और उसको कट कीजिएगा। आपको एक क्लिपर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको कोई भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगा। ये क्लिप करता है और वायर को चीर भी देता है। मैं भी ऑलमोस्ट मुझे जितना वायर चाहिए लंबा उतना बाहर मैं कट करूँगा, क्लिप करूँगा। दोनों साइड छील के लेना है। तो हमने दो इक्वल लेंथ का वायर लेके उनको चारों ओर से छील दिया है ऐसा। अभी ये हम पाइप के थ्रू डालने वाले हैं। तो ये ऊपर का पार्ट रहेगा जब ये बड़ा होल रहता है, और नीचे के पार्ट यहाँ से ये दो वायर बाहर आएंगे। जाने के टाइम दोनों वायर साथ में जाएंगे और आते वक्त इधर से अलग अलग इनको निकालना है। तो ये दो फनल टाइप के हमको ये मिलते हैं इसके साथ, तो क्या करना है, और इसको स्क्रूज रहते हैं तो हमें पहले स्क्रू जो है लूज़ करना है ताकि ये पाइप में अंदर जा सके। अभी हमने दोनों लूज़ कर दिए जो स्क्रूज हैं इसके। तो अभी हमें क्या करना है, वायर डालने से पहले हमको ये डालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये फनल वायर लग गया तो वायर यहाँ से प्रोट्रूड करेगा बाहर, तो वो इजीली जा नहीं पाएगा।
तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो पार्ट है नीचे का पार्ट है और जब पे कैप लगा है ऊपर का पार्ट है, तो पहले हम ये फनेल डालते हैं तो नीचे बैठते हैं, तो ये फनेल जिसके ओरियन इलेक्ट्रिक लिखा है ऐसे ऊपर बैठते हैं, उसको भी डाल रहे हैं। तो हमने अभी वायर्स डाला है यहाँ से डाल के नीचे से हमने उसको बाहर निकाला। और एक इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे एक स्क्रू था तो यहाँ पे यहाँ जाता है और वो इसको जो फैन है उसको सेफ्टी फीचर करके यहाँ पे स्क्रू होता है अंदर, तो वो ली होती है। आप जिस चेक कीजिए उसको भी एक स्टिकर था कि हमें स्क्रू टाइट करना ताकि सेफ्टी के लिए इनकेस जो मेन अगर फास्टनर्स वो फेल हो जाते हैं तो ये स्क्रू उसको प्रोटेक्ट करेगा, फास्टनर से उसको स्क्रू करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया सेफ्टी स्क्रू है उसको हमें पहले फिक्स करना है इसके अंदर। बाद में जो मेन स्क्रू है नाम है और एक स्क्रू देता है जिससे वो लॉक हो जाता है, वो भी हमें लगाना है। हम पकड़ की सहायता से उसको टाइट करेंगे। जितना पहले हो सकता है हाथ से करेंगे। उसके बाद जो एक पिन रहता है सेफ्टी पिन, ये डाल के इसको लॉक कर लेंगे। इसके लिए जो यहाँ पर दिया है न्यूट्रल, मतलब यहाँ पर भी न्यूट्रल वायर लगाना है और यहाँ पर फ्लाई वायर लगाना है। तो पहले हम इसको सॉकेट को लूज करेंगे, तो इसके अंदर जो वायर हमने छीला है वो हम डाल देंगे, इसको टाइट कर देंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमने सारे जो ब्लेड्स थे वो पहले लगा दिया, उसके बाद ये पूरा असेंबली लगा दिया, ये हमने नट टाइट लगा दिया, ये सेफ्टी स्क्रू लगा दिया, अभी वायर्स भी जो हमने डाले थे पाइप में से वो भी उसको फॉर्म कर दिया। अभी हम फनल नीचे करके इसको
इसको एक सही एंगल पे लाके हम उसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारा फिक्स हो गया इधर, ताकि ऊपर नीचे हिल जाए। अभी हमें ये जो वायर से ऊपर की जा रहे हैं वो हमको बाहर से वायर्स आए वहाँ पे फिट करना है। तो ये नीचे के फैन की असेंबली रेडी हो चुके हैं। अभी जो ये चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर का जो हुक होता है उसमें जाएगा, और नीचे जो डंडी आता है उसे ये सारा फास्टनर से कनेक्ट करने के लिए। तो हम अभी ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जाके आपको जो वायर्स है उनको वापस छीलना है ये क्लिपर से। तो हमने इसको अभी वायर को छील दिया है, और जैसे कि हमने नीचे दिखाया था ब्लैक कलर का हमेशा नेगेटिव वायर रहता है, और जो रेड कलर या फिर ब्लू है या फिर जो अलग कलर रहते हैं वो पॉजिटिव रहता है, मतलब फेज रहता है। तो अभी जब कनेक्ट करेंगे तो हमें ख्याल रखना है कि ये नेगेटिव वायर को जाए और फेज को ही जाए, ताकि आपका फ़ैन ठीक से घूमे, वरना आपका फ़ैन उल्टा घूम सकता है। पूरा सारा वायर थोड़ा बाहर निकाल लेंगे ताकि मैं आपको हुक दिखा सकूँ। ये हुक है, इस हुक पे आपको ये जो चीज़ जो फैन के साथ मिलता है वो हम डालेंगे। फाइनल स्टेप में आपको ये जो स्क्रू है ये होल के आर पार डाल के फैन को ऊपर फिक्स करना है। अगर वो पंखा सही डायरेक्शन में घूम रहा है इसका मतलब आपका कनेक्शन सही है। मेरे केस में से सही था। अभी मैं इसको जो वायर को है और टाइट कर रहा हूँ। एक बार अपने जो पकड़ से सब फॉर्म लगा दिए हूँ, आप एक बार उसको इंस्ट्रक्शन टेप से उसको वर्क कर दीजिएगा। फिर लास्ट जो ऊपर वाला जो पार्ट बोला था मैंने उसको टाइट करना है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सबके आपके रिश्तेदारों में शेयर कर दो।